नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल पूरे देश में डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब इस डेंगू से बचाव कैसे करें और अगर हो गए तो उसको ठीक कैसे करें, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत तनाव में हैं, क्योंकि जो चिकनगुनिया फीवर के बाद जोड़ों के दर्द हैं वो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं। तो अगर ऊपर से डेंगू हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए लोग बहुत टेंशन में हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू से बचाव और डेंगू के इलाज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेंगू बुखार इतनी तेज़ी से क्यों फैलता है। जो डेंगू है वो एक मच्छर एडिस एजिप्टाई के काटने से फैलता है। तो ये जो मच्छर है साफ पानी में ग्रो करता है और एक मादा मच्छर एक बार में 100 से 300 तक अंडे देती है और उसका जो लाइफ स्पैन है वो 1 महीने का होता है और पूरे 1 महीने में यानी पूरे अपने लाइफ स्पैन में वो 800 से 1000 अंडे देती है। तो एक मादा मच्छर जो है 1000 के करीब मच्छर पैदा करने में सक्षम है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो इसी कारण ये डेंगू जो है इतनी तेज़ी से फैलता है। तो अब इसको रोकने के उपाय क्या हैं? इसको रोकने के सबसे पहले क्या है कि जो डेंगू का मच्छर है उसको पैदा ही ना होने दें उसको, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं कि साफ़ पानी में पैदा होता है, तो इसको अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा होने ही नहीं देना है। अगर कूलर में गमलों में कहीं पानी है तो उसको दूसरे तीसरे दिन चेंज करना है, और अगर कहीं पर पानी इकट्ठा है भी तो उसमें कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल या फिर लाल दवाई यानी पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। दूसरा, अपने घरों में नीम के पत्ते जो सूखे पत्ते हैं, गुगल और कपूर की धूप देनी है। तीसरा, फुल स्लीव्स के क्लोथ पहने ताकि मच्छर ना काट पाए। और चौथा, जहाँ पर जो एक्सपोज पार्ट है जैसे हाथ हैं या मुंह है वहाँ पर नीम के तेल की मालिश करनी है। लेकिन डेंगू होने का चांस फिर भी रहता है, तो हमें अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि डेंगू अगर हो भी जाए तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन ना जाएं, क्योंकि डेंगू में सबसे ज़्यादा खतरा प्लेटलेट्स के डाउन होने से होता है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक तो गिलोय, एक उंगली इतनी गिलोय और 1/4 पत्ता पपीते का, इसको 2 ग्लास पानी में बॉयल करना है और उसको बॉयल करके जब 1 कप रह जाए तो छान के गुनगुन गर्म पीना है, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। या फिर पीटरी सिरप के 2-2 चम्मच दिन में 3 बार सेवन करने हैं। पीटरी सिरप हम पिछले 20 सालों से यूज़ कर रहे हैं और ये प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम जानते हैं अगर डेंगू हो गए तो क्या होता है। जब डेंगू का वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये सबसे पहले रेप्लीकेट करता है यानी अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और जिस टाइम पर ये अपनी संख्या को बढ़ाता है उस टाइम पीरियड में हाई ग्रेड फीवर होगा। दूसरा, ये बोन मैरो को सप्रेस करता है। बोन मैरो वो जगह है जहाँ पर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है यानी ये प्लेटलेट की प्रोडक्शन को कम करता है। तीसरा, ये प्लेटलेट्स को डैमेज करता है। जो प्लेटलेट्स हैं उनको ये डैमेज करना स्टार्ट करेगा, एक तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, दूसरा डैमेज भी स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से कम आएगी। तो प्लेटलेट्स के डाउन जाने का क्या पैटर्न रहता है, जिस दिन बुखार स्टार्ट हुआ वो 1st डे है और 3rd डे से लेकर 7th डे तक प्लेटलेट डाउन जाते हैं और 7th डे के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। जो 4th से 7th डे है वो बहुत ही क्रूशियल फेज रहता है। उस टाइम पर 24 घंटे या 12 घंटे के बाद प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना है डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। तो 3rd से 7th डे के बीच प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन जाती है, तो इसके लिए जो पीटरी सिरप है इसके 2-2 चम्मच हर 1 घंटे में लेने हैं। आप पीटरी सिरप को अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं और डेंगू के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।